आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के रूप पर बने इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ पिथौरागढ़ से धारचूला। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। आज नए दिन की फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम हूँ पिथौरागढ़ में, मैं रेडी हो चुका हूँ और मुझे लेट हो गया। एक्चुअली मैं 6 बजे निकलने वाला था, बट काफ़ी मतलब कि करीब आधे घंटे लेट हो गए हैं। 6:30 बज रहा है, सुबह हो गई है। मुझे धारचूला पहुँचना है, करीब 93 किलोमीटर है, जिसकी टाइमिंग ड्यूरेशन जो है बता रहा है गूगल हमारा करीब करीब 2.5 घंटे, शायद उससे ज़्यादा भी लग सकता है, 3-3.5 घंटे लगेंगे क्योंकि हम रुक के जाएंगे आराम से। अभी फ़िलहाल के लिए मैं निकल रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया है, मेरा सारा सामान मुझे समेटना है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं नैनीताल से निकला था कल। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप जो है अगर आप आज जाओगे तो कम से कम पिथौरागढ़ से 70 किलोमीटर आगे जाने के बाद में आपको स्टे करने का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको स्टे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब लिमिटेड बहुत ही कम ऑप्शन होगा। तो मैं रिस्क नहीं लिया और डायरेक्ट पिथौरागढ़ में हॉल्ट किया। तो फ्रेंड्स, सारा सामान रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। थोड़ी थोड़ी बरसात हो गई है, आप लोग देख सकते हो। इंजॉय करेंगे हम मौसम को और पिथौरागढ़ से निकलते हैं धारचूला के लिए। ये है पहाड़ों की खूबसूरती। बारिश हल्की सी हुई और बादल आ गए। क्या ही खूबसूरत रास्ता है यार। और इतनी बरसात हुई है रात में अभी कि रोड पे पानी जम गया है और ठंड तो पूछो मत भाई, ठंड स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंड होगी, क्योंकि होटल वाले ने भी बोला कि धूप निकल जाएगी, ठंड नहीं होगी। तो मैंने अपना कुछ भी अंदर नहीं पहना हुआ है, एक रेनकोट है और एक टी शर्ट हमने डाला हुआ है। बट अभी ऐसा लग रहा है कहीं रुकूंगा, रुक के मैं कपड़े पहनूंगा क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। वाव, क्या खूबसूरती है यार मई मंथ की। पहाड़ों पर बर्फ, नीचे बादल, हमारे साइड में बरसात। अब ये देखो, मैं बादलों में आ गया हूँ। क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। मैं बादलों में चल रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, और एक बादलों की जो अजीब सी खुशबू है ना, क्या ही बताऊँ आपको। या फिर यहाँ पर कुछ खुशबू ऐसी होगी। आग लगी हुई है, आग लगाई गई है या लगी हुई है, सारे जो जले हुए हैं पेड़ और बरसात हुई है तो उसकी जो खुशबू आ रही है राख की, वो एकदम से मंत्रमुग्ध कर दे रही है। चलो भाई, थैंक यू, मिलते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। मैंने एक चाय पिया और पकौड़ी खाई, एक पानी का बॉटल लिया रास्ते के लिए, और भाई साहब ने नली बनवा के रखी थी उसको भी लिया मैंने 4-5 खाने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ के लोकल लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है आज रात को। धारचूला तो जाना ही है आज, फिर रुकेंगे, मौसम साफ होगा तो भगवान आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, ओम पर्वत के दर्शन करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। थोड़ा मेरे गाड़ी में हवा कम हो गया है यार, चेक कर लोगे क्या? पहले पंचर चेक कर लो आप। यहीं खड़ी कर दूँ? हाँ, तो लोग बता रहे थे भाई कि ये वाला लैंडस्लाइड अभी रिसेंटली हुआ है, खतरनाक वाला हुआ है। देख सकते हो आप लोग, पूरे पत्थर फट के नीचे आ गए हैं। रोड बहुत अच्छी इधर की है,
और जंगलों में ये देख सकते हो आप लोग जो पिथौरागढ़ लोग बोल रहे थे आग लगी है, न्यूज़ चैनल वगैरह पे चल रहा था, यही सब जंगलों में आग लगी थी। और अभी तो बरसात बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से काफ़ी मतलब 100% आग बुझ गई और कुछ गवर्नमेंट ने भी कोशिश करके बुझाया। वादियों का तो बात ही अलग है, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इतनी खूबसूरत यहाँ की खुशबू है हवा की, मतलब जो फील हो रहा है ना हवा की खूबसूरती वो मैं बता रहा हूँ आपको। कहो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, स्कूल जा रहे हो, कहाँ स्कूल है तुम्हारा, ऊपर ऊपर है कि नीचे है स्कूल, ऊपर है, कौन से क्लास में हो, हाँ अच्छा चलो ठीक है बाय। तो भाई ये वाला पुल भी मुझे बहुत पसंद है, पहाड़ों में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पहाड़ में जो पुल बने हैं, पिथौरागढ़ हल्द्वानी मुनस्यारी मधकोट, और ये है यहाँ पर धारचूला 30 किलोमीटर। बलिया को क्रॉस करते ही तुरंत जो है ऑफ रोड मिला है मुझे, खतरनाक वाला ऑफ रोड है, बड़े बड़े गड्ढे, पानी भरा हुआ, शायद रोड बहुत अच्छी मिल गई है बट पूरा ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है। मेरे लेफ्ट में जो गांव देख रहे हो आप, इनका नाम है फिलम तल्ला छारछुम गांव। ये लो भाई ये देख लो, ये नया पुल बन रहा है, ये पुल छारछुम गांव को नेपाल से कनेक्टिविटी के लिए जोड़ा जा रहा है। करीब 10 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा पुल है ये। काफ़ी सालों से जो है इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फिर इसको फाइनल किया और करीब इसका बजट करोड़ों रुपये में था, जो कि अभी जून मंथ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बनने से करीब 4 से 5 बड़े जो विलेजेस हैं नेपाल के अपने भारत देश के, इनकी दोनों की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। खतरनाक वाला पूरा ऑफ रोडिंग है ये, खतरनाक वाला जो है पहाड़ी टूटा हुआ था और रोड बना हुआ है, और नदी के पानी का जो वेग है ना, तो अभी ये सीजन में ये हालत है तो बरसात में क्या होती होगी, देखने से रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। ये देखो इनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, ये इसके ऊपर चढ़े और इन्होंने पूरी कटाई करी बकरी के लिए चारा।
आपको डर नहीं लग रहा है? और अगर टूट गया टहनी तो? तो फिर से आ गई काली नदी हमारे पास में। यार मैं तो अभी धारचूला भी नहीं पहुंचा हूँ, इतने सारे ऑफ रोड्स मिल रहे हैं देखने को, खतरनाक खतरनाक वाले। ये देखो रॉक्स के नीचे से रोड है, और आगे जब हम धारचूला से बढ़ेंगे ओम पर्वत के लिए और आदि कैलाश के लिए, तो कितने ऑफ रोड हमें मिलने वाले हैं। भाई इस रूट का लास्ट पेट्रोल पंप है, धारचूला यहाँ से करीब 4 किलोमीटर और आगे है, और ये लास्ट पेट्रोल पंप। अपनी गाड़ी में फ्यूलिंग पूरी करनी है हमें, 5 लीटर का गैलन लिया हूँ, ये फुल करना है, इसके बाद में फिर हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे आज की। ये है धौली गंगा, धौली गंगा पावर स्टेशन धारचूला, और धारचूला यहाँ से टॉप 3 से 4 किलोमीटर है। रोड बहुत ख़राब है, ऑफ रोडिंग है, पेट्रोल पंप ये लास्ट है। मैंने फ्यूलिंग कर ली, स्टोरेज कर लिया, अब आगे चल के कहीं स्टे के लिए देखते हैं, क्योंकि हमें पास भी बनाना है। ये यहाँ से धारचूला मार्केट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ के बाईं ओर से जो रास्ता गया वो रास्ता आपका आदि कैलाश, ओम पर्वत, नारायण आश्रम, तवाघाट सबको कनेक्ट करता है, और हमें फिर से वापस यहीं पर आके अर्ली मॉर्निंग निकलना था आदि कैलाश के लिए। हर हर महादेव। रेस्टोरेंट, और ये आदि कैलाश करके हो कुछ है ना होटल, नीचे साइड को मिलेगा, नीचे साइड ही मिलेगा, इधर से नहीं है। तो भाई साहब मैं अभी हूँ जिस सर्कल पे, यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना पड़ रहा है नेपाल के लिए। भाई नेपाल के लिए इधर से? तो भाई साहब मैं नेपाल पहुँचने वाला हूँ बस 10-5 मिनट में। मैं ऑलरेडी नेपाल वाली रूट पे हूँ, इंडिया से नेपाल में जाने वाला हूँ। रॉक्स 2 मिनट लगेंगे मुझे पुल पे पहुँचने के लिए, और जो भी उनका प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद में फिर हमें छोड़ेंगे वो साइड में जाने के लिए।
और ये हम काली नदी की आवाज़ सुन सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ काली नदी का वेग कितना ज़बरदस्त है। सामने देख रहे हो वो नेपाल है और ये हमारा भारत देश है। लिखा हुआ है भारत नेपाल के अलावा अन्य देश का सामान लाना ले जाना प्रतिबंधित है। तो भाई मैं नेपाल के दारचूला में हूँ और सिर्फ हमारा आधार कार्ड उन्होंने चेक करा, एंट्री किया, उसके बाद में कहा कि आप जा सकते हो। ये साइड में क्या है मुझे आइडिया नहीं है। एक लड़के से मैंने पूछा कुछ देखने के लिए घूमने के लिए है, तो उसने मना कर दिया, बोला कि मुझे आइडिया नहीं है। तो पूछते हैं किसी और को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय करो हाय करो हाय करो। नहीं करेगा ये, इसको देख रहा है। हाँ कितना लगता है फेयर काठमांडू का? 2850 रुपये। थैंक यू भाई। ये नेपाली पैसा है? हाँ जी भाई। कितना रुपये है ये? 1000। ये 1000 की नोट है? हमारे देश में तो बंद हो गया। तो भाई साहब नेपाल घूम के आ गया, कुछ नहीं है नेपाल में घूमने के लिए। अभी रिटर्न नितेश भाई का फ़ोन आया, मुझे वापसी जा रहा हूँ पास बनवाने के लिए, क्योंकि मुझे कल आज ही क्लास जाना है, सुबह में निकलूँगा। तो अगर आज मेरा पास बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल संडे हो जाएगा, फिर मुझे कल यहाँ पर रुकना पड़ेगा और फिर मंडे को पास बनेगा, फिर हम मंडे या ट्यूजडे को निकलेंगे। तो ये 2-3 दिन का अननेसेसरी हमारा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हॉल्ट किया हुआ है। तो भाई धारचूला में मैं हूँ, सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ से मुझे अपना मेडिकल पहले चेकअप करवाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम दूसरे प्रोसीजर के लिए जाएंगे। आई थिंक से 3 या 4 जगह पे जाना पड़ेगा और फिर हमें परमिशन मिलेगा आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। तो भाई यहाँ पे मैंने 30 रुपीज़ देकर फॉर्म लिया, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है वो करने जा रहा हूँ। ठीक है सर। तो भाई मैंने वहाँ से 30 रुपये का फॉर्म ख़रीदा, डॉक्टर ने अप्रूवल दिया मेरा, सिर्फ इन्होंने बीपी वगैरह चेक करा। अब थर्ड स्टेप में आया हूँ, चीफ फार्मासिस्ट। तो ये है सर। हेलो सर। हाय। आपका नाम क्या है बता दीजिए? देवेंद्र सिंह बोनाल। ओके। आपका डेजिग्नेशन? फार्मेसी ऑफिसर हो गया। ओके थैंक यू सर। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है, उसके बाद में पीए जाना पड़ेगा नहीं? मेडिकल इंडिया फिर हमको आगे का प्रोसेस करना। ओके उसके बाद तो प्रोसेस आप घर के ही ढूंढ लेंगे। ओके तो भाई मैं अभी हॉस्पिटल में पूरा प्रोसीजर कर लिया मेडिकल वगैरह का, और उसके बाद में फिर मैं पहुँचाऊँ तहसील ऑफिस। तहसील ऑफिस में भी नितेश भाई हैं, फॉर्म वगैरह भर के पूरा फिल करके मेरा काम कर रहे हैं, और करीब करीब टोटल फॉर्म वगैरह अपलोड करके परमिट लेने का लगभग खुद से करोगे तो 600-700 रुपये जाएगा, और आप किसी के थ्रू अगर करवाते हो वहाँ का जो लोकल बंदा है उसको सब कुछ पता है तो वो टोटल 800-1000 रुपीज़ चार्ज करता है। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो नितेश भाई का कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा आप लोग। तो अगर आप किसी लोकल बंदे के थ्रू वहाँ पे चीज़ें करवा रहे हो तो फिर आपका 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर आप खुद जाके करोगे तो 200-300 रुपये कम लगेंगे। बस इतना ही फ़र्क है पूरा का पूरा पास बनाने में परमिट के लिए, सिर्फ 1-3-4 घंटे का प्रोसीजर है। अरे बहुत महंगा है यार ये KMVN, मुझे पता है यार। धारचूला के सारे होटल महंगे होते हैं। हाँ तुम्हारे यहाँ मुझे सस्ते मिल गया यार, तुम्हारे डैडी होम स्टे टाइप का। तो भाई अब आ गया मैं पुलिस स्टेशन। तो भाई ये वो जगह है जहाँ जगह को मैं घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ नीचे उतरने के लिए पूछता हूँ कहाँ से उतरने के लिए है। तो भाई बहुत रिस्की प्लेस है मैं जहाँ से नीचे उतरने वाला हूँ, बट
आया हूँ तो थोड़ा इंजॉय करते हैं। ये देखो, ये है उतरने का रास्ता। यहाँ से पहाड़ों में उतरना बहुत इजी होता है पर चढ़ने में पूरी वाट लग जाती है। तुम लोग नहा चुके यार? तब मैं कैसे अकेले नहाऊंगा इसमें पानी में? वहाँ चला जाऊँ क्या? उन लोग लेडीज जेंट्स सब लोग हैं ना? नहीं, छोटे में ही मुझे नहाना है, बड़े में नहीं नहाना है भाई। ये ठीक है, एवरेज है। नहीं नहीं नहीं, तैरना नहीं आता तो नहाने वाला। नहीं, तैरना नहीं आता भाई इसके लिए तो, क्योंकि मुझे जिसने बोला ना उसने पहले पूछा कि आपको तैरना आता है क्या। खाली वीडियो बना के जाओ। यहाँ के लोकल लोगों ने देख लो क्या गंध मचा रखी है, बाहर के लोगों को कहते हैं लोग। ये गांव के लोगों को पानी पीने के लिए जो सप्लाई है यहाँ से जा रहा है, रिसोर्स सिर्फ पानी का है और प्रेशर में फिर यहाँ से वो कंटिन्यू उस पर ही गिर रहा है उसके मुंह पे, तो वहाँ से पानी जा रहा है सप्लाई में। अरे माफी है, इधर से नहीं गया। आदि कैलाश के लिए। आदि कैलाश, तुम लोग कहाँ से हो? लोकल ही हो? यहाँ पर नहीं, मतलब धारचूला के आगे साइड से गांव। धारचूला से ही हम लोग। आप खास धारचूला से? प्रॉपर धारचूला। खाना भी बना रहे हो यहाँ पे? हाँ, सब चीज आज पिकनिक करने के लिए आ रखे हो। कुछ बोलना है बोलो। कुछ नहीं बोलना है? नाम बताओ अपना, नाम बताओ। नाम क्या है आपका? नाम क्या है तुम्हारा? नाम इसको बोलना नहीं आता। इसको बोलना नहीं आता? तुमको आता है? इसका नाम गुंडू है। तेरा नाम क्या है? तूने मुंह नहीं धुला? मुंह धुल पहले, पूरा लाल लाल लग गया है। मेरा नाम तो प्लीज था। भाई मेरी तो लंका लग गई यार, मैं एकदम से ही थक गया नीचे से ऊपर आने में। सांस ऊपर नीचे हो रही है बट यहाँ से मैं रिटर्न चल रहा हूँ बिकॉज कुछ अच्छा खास नहीं है देखने के लिए। चल के आराम करता हूँ और कल की तैयारी करता हूँ आदि कैलाश जाने की। पैचेस तो बहुत सारे जो है ऑफरोड मिले और डेंजरस मिले, और सबसे ज़्यादा डेंजर मुझे ये लगा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने में। नदी के वो साइड में नेपाल और नदी के ये साइड में हमारा भारत देश, और ये ट्रेनिंग सेंटर है हमारे आर्मी के लोगों का। तो चलिए, मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और बताना अभी जो मैंने प्लेस दिखाया ये कैसा लगा आपको, और फ्यूचर में आप भी आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो।